हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम जल्द सीरीज चला रहे हैं। वो आज हम क्लास लेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि 5 क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो इससे पहले 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप यदि वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब जाके आप देख लें। और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। करंट अफेयर भी हमारा आता है जो कि काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से एग्जाम जो भी एग्जाम होगा ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, देख करके बनाया जाता है। तो ये जो स्पेशल क्लास है ये रेलवे के लिए चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया रेलवे में अब तक वो सब हम करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, दिलीप एक टीवी सेट इसके मूल्य में 20% की छूट पर खरीदता है और इसके मूल्य में मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो इसका लाभ क्या होगा। तो इस तरह का बहुत ही क्वेश्चन करवा चुके, बेहद आसान क्वेश्चन होता है। मतलब क्या है कि 20% की छूट पे एक तो खरीद लिया और बेच रहा है मूल्य का 20% चढ़ा करके। मतलब यू बोल सकते हैं कि 20% का ऐसे रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं डायरेक्ट कि 100 का चीज कितना में खरीद रहा है 20% के छूट में, 100 का चीज 80 में खरीद ले रहा है। अब क्या कर रहा है कि इसी मूल्य 100 का चीज है वो, लेकिन वो बेच कितना हो रहा है इसको 20% चढ़ा के बेच देता है। यानी खरीद रहा है 20% कम में और बेच रहा है 20% ज्यादा में। तो टोटल इनकम, टोटल उसका प्रॉफिट कितना होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 80 रुपया में एक्चुअल में खरीदा और बेचा कितना में, 120 में। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 40, यानी 40 रुपीज का इसका हो गया प्रॉफिट। तो कितना परसेंट हुआ आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 50%। यानी कि ये जो हुआ 50% इसका प्रॉफिट हो गया सीधा सीधी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं 100 का चीज 80 में खरीद करके और 100 का चीज 120 में बेचता है। मतलब ये हुआ कि एक तो 100 रुपया में डिस्काउंट भी करवा लिया और उसी मूल्य को फिर चढ़ा के भी बेच भी दिया। मतलब कि उधर से भी 20 और इधर से भी 20, टोटल 40 कितना में, 80 में। यानी कि 80 रुपीज में खरीदा और 40 रुपया ज्यादा लेकर के 120 रुपये में बेच दिया। मतलब 50% का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया उसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये तो इस तरह का क्वेश्चन भी आसान होता है यहाँ पे, जैसे कि मतलब ये हो रहा है कि 18% के छेड़छाड़ कर रहा है सेल करने में और खरीदने में। मतलब जब जब भी वो खरीद रहा है कि तो 18% वहां से भी मतलब छेड़छाड़ करके धोखा दे रहा है, मतलब ठग ले रहा है। और बेचते समय भी वो तौल में करके 18% उसको वहां भी प्रॉफिट हो जा रहा है। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना हुआ तो आप बता सकते हैं। इस तरह का प्रॉफिट जहां भी आता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये परसेंट बी परसेंट है। तो ये फॉर्मूला से आप कर सकते हैं कि इतना परसेंट का उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि 18% खरीदने में प्लस 18% बेचने में, और आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे और डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कितना होगा। तो यहाँ पे 18 प्लस 18 36 हो जाएगा, और ये आपका 324 होता है डिवाइड बाई 100, तो 36 प्लस 3.24, यानी इसको प्लस करेंगे तो 39.24%, इतना का टोटल उसका प्रॉफिट होगा एक्चुअल में। क्योंकि 18% वो खरीदते समय मान लिया और 18% बेचते समय, तो टोटल प्रॉफिट के लिए फार्मूला याद रखना होगा। टोटल प्रॉफिट इस तरह से निकालते हैं, यदि प्लस करना है तो 39.24% वो उसका टोटल प्रॉफिट होगा। इसका ऑप्शन आई थिंक बी है, आप बी देख सकते हैं। और फर्स्ट वाला के ऑप्शन भी बी था और इसका भी बी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो कि भी आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हमको बोर्ड साफ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपये में बेचा बेच दिया गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 में बेचा जाए तो। यानी कि कोई वस्तु था जो कि 18% लाभ लिया गया तो वो 649 रुपये में बेचा। अब बोल रहा है कि 418 में यदि बेचा जाएगा तो उसका हानि कितना होगा, ये पता करना है हमको। तो सबसे पहले 18% आप देख सकते हैं, तो 18% का रेशियो कितना हो जाता है, तो 18% का रेशियो हम नहीं बताए थे इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे 9, यानी कि 9/50 रेशियो होता है, ठीक है, 9/50 रेशियो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट यानी लाभ लेके बेचा गया है,
इस 18% का लाभ लेके बचा गया तो प्लस करेंगे यानी कि 50 का चीज कितना बचा गया, 59 में, यानी 50 का चीज 59 में सेल किया गया, और 59 में कितना उसको मिला है टोटल, 649, यानी कि 59 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया है 649, इतना वैल्यू दिया है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, देख सकते हैं 649, 59, तो यहाँ पे वन टाइम काटेंगे और बचेगा यहाँ पे 15, यानी कि 59 वन टाइम से, तो वन यूनिट का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 11 आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है सबसे पहले कि क्रैमल इसका कितना था, यानी 50 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, तो 50 यूनिट का जो वैल्यू होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 550 होगा, यानी कि इतना में वो खरीदा था क्रैमल, हमको पता हो गया। अब वो बोल रहा है कि 418 में जिसको सेल किया जाएगा तो कितना का, कितना प्रतिशत का हानि होगा ये बताना है। तो 418 मतलब 418 सीधा सीधी माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आई थिंक 132, ठीक है, तो 132 का इसका प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, तो 132 बाई क्रैमल, क्रैमल कितना है ये है। बस बेहद आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे कटेंगे इसको तो 5 2 जा और ये 11, 5 जा 11, से ये कटेगा 1 2, यानी कि 12 × 2 यानी कितना हो गया 23%, यानी कि ऑल ओवर जो इसका लाभ होगा वो 20, सॉरी हानि जो होगा वो 23% का होगा, ठीक है, तो हानि 24%, हानि 24%। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या बोला गया था, 18% लाभ पे बेचा गया तो उसको 649 रुपये मिला, तो 418 में बेचेगा तो कितना उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा ये बताना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे किए है ना, 18% का जो प्रॉफिट रेशियो था 9/50, यानी 50 का वैल्यू, और 50:59 मतलब कि 50 का चीज को 59 में सेल किया जाता है, 59 यूनिट का वैल्यू दिया, 1 यूनिट का वैल्यू 11 आया, 50 यूनिट का वैल्यू 550, मतलब कि उसका क्रय मूल्य जो था 550 था, बेचा गया 448, 418 में, 418 माइनस 132, यानी 132 का क्या हुआ, लॉस हो गया, हानि हो गया, तो 132 बाई जो क्रय मूल्य था उससे निकालेंगे 24% का हानि हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों वगैरह के साथ में, कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पे कि रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% के लाभ पर बेचता है, तथा दूसरी 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन सब आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। 30% का रेशियो कितना होगा, 3/10 होगा, आप कर सकते हैं, मतलब 3/10 लाभ हुआ है, मतलब कि 10 का चीज कितना में सेल किया हो, 13 में, तो 10 का चीज 13 में सेल किया और कितना में सेल किया हो, 910 में, मतलब कि 13 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 910, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 70, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 70 होगा। अब वो पूछ रहा है क्या, अभी हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 700, मतलब 10 यूनिट, क्रय मूल्य कितना था उस पेन ड्राइव का 700, बेचा कितना में 910 में, ठीक है। तो अब यहां से पता हो गया फर्स्ट पेन ड्राइव का क्रय मूल्य, नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो दूसरी 180 रुपया में बेचा है लेकिन 10% की हानि में बेचा है, तो 10% का जो हमारा रेशियो होता है वो 1/10 होता है, और चूंकि यहाँ पे हानि है इसलिए 10 का चीज कितना बेचा 9 में, तो 9 यूनिट का वैल्यू फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, 9 यूनिट का वैल्यू है 180 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20 होगा, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20, तो इसका क्रय मूल्य कितना लगा था, तो 10 यूनिट का वैल्यू इसका भी निकालेंगे 200, मतलब इस वाला जो सेकंड पेन ड्राइव है उसको 200 में खरीदा और बेचा 180 में, लेकिन फर्स्ट वाला को क्या किया, 700 में खरीद के 910 में सेल किया, तो टोटल जो सीपी लगा उसको, टोटल सीपी यानी कि क्रय मूल्य, टोटल कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 200 यहाँ से और 700 यहाँ से कितना हो गया 900, यानी कि टोटल दोनों पेन ड्राइव खरीदने में उसको 900 लगा था, लेकिन सेल कितना में कर रहा है, दोनों को सेल जो कर रहा है आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला को ही 910 में सेल किया था ये, तो 910 प्लस 180 यहाँ से, ठीक है, तो 1090 ये इतना में सेल किया, 1090 में सेल, टोटल सेल करने से दोनों में कमाया है, 900 रुपया लगा था, तो 190 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, कितना पे 900 पे, तो आप देख सकते हैं ये कटेगा यहाँ पे 2 और
21.11%, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ 21%, 21.11%। और ये ऑप्शन नंबर आई थिंक ऑप्शन आप देख सकते हैं क्वेश्चन में है, ऑप्शन इसका कुछ शायद यहाँ पे हम लिखे नहीं है, तो देख सकते हैं ऑप्शन जो भी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 21.11, मेरे ख्याल से बी है, तो 21.11%, यानी 1-1% इतना प्रॉफिट हुआ है टोटल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में है उतना जगह। यहाँ पे बताया गया 3480 रुपीज की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यानी ए ने 3480 रुपया में एक साइकिल बेचा और 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो क्रैमूल कितना होगा? ये बेहद आसान क्वेश्चन है, यानी क्रैमूल से पूछा है यहाँ पे। तो 20% का फिर से हम रेशियो देखेंगे यहाँ पे कितना होता है। 20% का जो रेशियो होता है 1/5 होता है, यानी कि 5 का चीज कितना में सेल कर रहा है, 6 में। 5 का चीज कितना में सेल कर रहा है, 6 में। और 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3480। ठीक है, 3480 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 6 5 6 8। ठीक है, 580। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 5 यूनिट का वैल्यू, यानी क्रैमूल, क्रैमूल यानी 5 यूनिट का वैल्यू। तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो 5 8 40, 5 5 24 एंड 2900, मतलब इसका ऑप्शन जो है बी है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। और फिर से ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा, छोटा छोटा, बहुत आसान होगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जस्ट तुरंत आएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, जैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिएगा दोस्तों वगैरह के साथ में। और साथ साथ में हम पुराने वीडियो को जैसे देखें कि 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो वो 4 को आप देख लेंगे जा करके। तब आपको अच्छा बेसिक मैथ यदि करना होगा तो बेसिक मैथ भी डाला हुआ है इसमें। ट्रिक्स का जो भी है हम बेसिक अलग करवाते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ट्रिक्स जो अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिक्स को हम ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं बेसिक मैथ में, तो आप वो देख सकते हैं जा करके। और यहाँ पे ट्रिक्स ऐसे ऑलमोस्ट बताते हम एक्सप्लेन कर देते हैं। रेशियो के बारे में, तो रेशियो जो हम प्रीवियस क्लासेस में जो चर्चा कर चुके होंगे, जो डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम नहीं बताते हैं। लेकिन जो नहीं नया कोई रेशियो आता है, तो उसको हम बताते हैं कि कैसे रेशियो आता है। तो रेशियो आपको याद रखना, और रेशियो मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसान होता है, लेस कैलकुलेटिव, और तुरंत आंसर आप बता सकते हैं इजिली तुरंत। तो एक क्विक बहुत ही अच्छा ट्रिक्स होता है। आप रेशियो मेथड से पूरा मैथ को समझेंगे तो सारे सारे चैप्टर को रेशियो मेथड से किया जा सकता है, पर प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बहुत फायदा होता है क्योंकि बहुत शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।